Hello dear student, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the topic Kingdom System in Organism. Kingdom System in Organism. और देखिए फोर टाइप का किंगडम सिस्टम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. फर्स्ट है टू किंगडम सिस्टम, सेकंड है थ्री किंगडम सिस्टम और फोर किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम. तो ये फोर टाइप का, फर्स्ट है टू किंगडम सिस्टम, सेकंड थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री है फोर किंगडम सिस्टम एंड फोर है फाइव किंगडम सिस्टम. ठीक है, टू किंगडम सिस्टम कार्ल लेनिस के द्वारा 1735 में दिया गया है और ये कार्ल लेनिस है और इसके अकॉर्डिंग, टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग इस लैंड पर या हम कहें कि बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें टू किंगडम में क्लासिफाइड किया गया और उन्होंने दो किंगडम दिया, प्लांटी एंड एनिमिलिया. टू किंगडम दिया कैरोलस लीनियस ने. उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम टू किंगडम्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्लांटी और एनिमिलिया. प्लांटी जो है इसमें प्लांट्स को इंक्लूड किया गया और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं. और एनिमिलिया में जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड किया गया और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो टू किंगडम सिस्टम कार्ल लीनस ने दी. आगे हम बात करें थ्री किंगडम सिस्टम. थ्री किंगडम सिस्टम जो कि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है और 1866 में दिया. और देखिए इस किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको थ्री किंगडम में क्लासिफाइड किया गया. फर्स्ट किंगडम दिया उन्होंने प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम प्लांटी एंड थर्ड किंगडम है एनिमिलिया. ठीक है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें प्लांट और एनिमल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के समान फोटोसिंथेटिक भी होते हैं एंड एनिमल के सिमिलर हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया प्रोटिस्टा में. लाइक हम एग्जांपल बात करें तो यूग्लिना है, फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, जिसे अपन कह सकते हैं कि ये दोनों तरीके के प्लांट्स है, एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है, तो उसे प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया. इसी तरीके से प्लांटी वही कार्ल लीनस के द्वारा जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग है और ये ऑटोट्रॉपिक है और एनिमिलिया टेरोट्रॉपिक है. जो थर्ड किंगडम सिस्टम है वो थर्ड किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर किंगडम बनाया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए फोर किंगडम दिया. फर्स्ट जो है वो है मोनेरा, सेकंड किंगडम जो है प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम है प्लांटी और फोर्थ किंगडम है एनिमिलिया. मोनेरा जो किंगडम है उसमें जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स है उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया और ये जो किंगडम सिस्टम है वो कॉपलैंड के द्वारा 1956 में दी गई थी. तो मोनेरा किंगडम जो कि इसमें थ्री किंगडम की जगह एक और किंगडम बना दिया गया और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स थे उनको इंक्लूड किया गया मोनेरा किंगडम में, जैसे लाइक बैक्टीरिया या अपन कहें यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा ऑर्किबैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया गया. प्रोटिस्टा में वही सेम करेक्टर रहेगा, प्लांटी और एनिमिलिया का सेम रहेगा. नेक्स्ट अपन बात करें जो अपना फोर किंगडम सिस्टम है वो फाइव किंगडम प्रणाली बनाई गई इसके अंदर और
ये प्रणाली दी गई थी आरएच वी टेकर के द्वारा 1969 में। तो वी टेकर ने फाइव किंगडम प्रणाली दी और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फाइव किंगडम बनाए। फाइव किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। देखिए मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स रहेंगे, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे जो यूनिसेल्यूलर होंगे और ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के, सम बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉपिक नेचर के, दोनों के होंगे। प्रोटिस्टा की सेम प्रॉपर्टी रहेगी, यानी ये एनिमल एंड प्लांट्स दोनों की तरह प्रॉपर्टी रखेंगे। एंड फंगी, फंगी एक या फंजाई जिसे अपन कहते हैं, इसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया फंगी। और ये फंगी किंगडम में जितने भी जो सेप्रोफाइटिक जो प्लांट्स है या हिटेरोट्रॉपिक जो प्लांट्स है उनको इंक्लूड किया गया, जिसमें हम फंगी या जिस जो जैसे अपने जो ब्रेड फीस होते हैं या अपने चपाती के जो फीस होते हैं उन पर काले रंग की या ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की अचार में, मुरब्बे में, जैम जेली में एक फिलामेंट्स या प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम फंगी कहते हैं और ये सैप्रोफाइटिक होते हैं या फिर ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं और ये प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज रिप्रेजेंट करते हैं फंगी, तो उनका अलग किंगडम रखा गया। इस तरीके से ये फाइव किंगडम सिस्टम है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।